छिंदवाड़ा जिला के चौरई विधानसभा के रामगढ़ में एमपीआरडीसी रोड का निर्माण कार्य चौरई से भौमखेड़ा तक उदित इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड रीवा द्वारा किया जा रहा है। रामगढ़ में रोड का कार्य चल रहा था एवं चल भी रहा है और रामगढ़ में रोड का कार्य लगभग पूरा हो गया है, लेकिन रोड ठेकेदार द्वारा नाली का निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिससे बारिश का पानी घरों में घुस गया है। आधी रात को तेज बारिश हुई, जिससे पहाड़ी क्षेत्र का पूरा पानी नाली नहीं बनने से ग्रामीणों के घरों में घुस गया एवं घरों में रखे खाद बीज एवं अनेक सामान पानी में गीला हो गया है, जिससे ग्रामीण जन आक्रोशित है और बहुत परेशान है। मीडिया को जानकारी में रामगढ़ के जन प्रतिनिधि उप सरपंच मिश्रीलाल तिग्राम एवं सरपंच पति अशोक पंचेश्वर ने बताया है कि तेज बारिश के कारण नाली नहीं बनने से पानी घरों में घुस गया है, जिससे ग्रामीणों के सारे सामान भीग गए। हमारे द्वारा रोड ठेकेदार को फोन लगाकर रात में ही मशीन बुलाई गई और पानी निकासी के लिए ही तत्काल नाली को निकाला गया है, लेकिन जब तक पक्की नाली नहीं बनेगी तब तक ग्रामीणों को ऐसी ही परेशानी बार बार होती रहेगी। रोड इंजीनियर को बुलाया गया तो उन्होंने पानी निकासी के लिए आपातकालीन स्थिति में नाली निकालने का आश्वासन दिया है और रोड पूर्ण होने पर पक्की नाली बनाने को कहा है। आखिर कब शासन प्रशासन ध्यान देगा और कब यह रामगढ़ रोड की नाली बनेगी और कब ग्रामीणों की समस्या का समाधान होगा, देखते रहिए इन विशेष न्यूज। हम फिर देंगे रामगढ़ रोड की नाली की जानकारी। समस्या क्या है जी, ये पूरा पानी इन गरीबों के घर में घुस गया, पूरा अनाज खाद ये सारी चीजें बर्बाद हो गई। रात के 11 बजे तक परेशान हुए, अभी जब फिर ठेकेदार आया और उसने आश्वासन दिया है कि हम मशीन ला रहे हैं और पाइप ला रहे हैं, अच्छा, और इस पे फिर डलवाएंगे, और जो गरीब लोग हैं सब परेशान हो गए। देखो इनका घर जाके देखो, रात भर में सो पाए। क्या शासन के कोई अधिकारी आपसे जानकारी लेने आए? कोई अधिकारी आए ना, कोई पूछने आए, वो तो हमने हमारी तरफ से लोगों को इकट्ठा करके दबाव बनाए जब आए। वो ये जनता के लिए यहाँ रोड का काम चल रहा है जी, और रात को कल बारिश हुई अचानक बहुत तेज जी। मुझे ये ग्रामीण के जो जिनके घर में पानी घुसा, उन लोगों ने, तीनों लोगों ने मेरे को फ़ोन लगाए, मैं तत्काल वहाँ से पानी गिरते हुए एक गाड़ी करके और तत्काल आया और मशीन वालों को तत्काल फ़ोन लगाया, जैसे ही मैं मशीन के उनके घर से निरीक्षण किया, उनके घर में अनाज पूरा गीला हुआ, उनको बोला भाई आप पंचायत में रहिए, यहाँ अब व्यवस्था गड़बड़ चल रही है बहुत। फिर मैंने इंजीनियर को फ़ोन लगाया, उसको अभी सबके समक्ष उस इंजीनियर ने बोला कि मैं यहाँ पुलिया डालूंगा और नाली भी बनेगी। नाली अभी हमारी रोड कंप्लीट हो जाती है, इसके बगैर फिर चालू करते हैं नाली के काम जी। तो नाली बनेगी अभी, जैसे वर्तमान में ग्रामीण लोग परेशान है पानी का, उसके लिए मैं पानी का की निकासी का कुछ पाइप वाइप डाल के ऐसा करते हैं, इसके बाद जब नाली बन जाएगी तो अपने आप पानी निकलेगा। इन विशेष न्यूज के लिए चौरी से राजेश उइके की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।